Everyone, this is Manoj Kumari and welcome back in my YouTube channel Maths Friend. Now let us do exercise 9.5 question number 7. देखिए बेटा question number 7 में क्या है? Using a square minus b square is equal to a plus b a minus b find. हमें find करना है इस identity का use करते हुए हमने इन question को क्या करना है? Solve करना है. तो देखिए हम first part लेते हैं. क्या है 51 square minus 49 square. अब a समझो 51 है आपके पास और b क्या है हमारे पास 49. तो एक बार तो इनको plus कर दे बेटा और एक बार इनको minus. Identity हमारे पास already write की गई है कि भी a square minus b square को क्या लिख सकते हैं हम a plus b a minus b. तो करो इस identity का use. ये क्या होगा 51 plus में 49 और कितना जगह 51 माइनस में 49 ऐड करेंगे तो 9 और 10 4 5 9 और 1 10 तो कितना आ गया 100 और ये कितना बच गया 49 में माइनस करेंगे 51 में से तो कितना बच गया 2 तो आंसर 2 को 100 से मल्टीप्लाई की तो आंसर आ जाएगा 200 तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमारा ये आंसर आ गया. सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं बेटा. सेकंड पार्ट में क्या है 1.02 होल स्क्वायर माइनस 0.98 होल स्क्वायर. तो आइए इसी आइडेंटिटी में इसको पुट कर देते हैं. एक बार इसको प्लस कर दें एक बार इसको माइनस. तो देखो प्लस करेंगे 1.02 में प्लस करेंगे 0.98 और इसी में से माइनस करेंगे 1.02 में से माइनस करेंगे 0.98. अब देखो ये माइनस करो आप इसमें पहले तो ये प्लस कर लेते हैं 0.98 1.02 में ऐड कर रहे हैं हम क्या 0.98 तो ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा 10 और ये कितना हो जाएगा 2. मीन ये हो गए हमारे पास इस ब्रैकेट में आगे बेटा 2. अब देखो माइनस करेंगे 1.02 में से माइनस करेंगे 0.98 ये माइनस करेंगे तो 12 में से 4 8 जाएगा कितना बचेगा 4. यहां कितना बच गया फिर यहां से कैरी किया तो 9 9 में से 9 गया 0 तो ये यहां से कैरी करता जा रहा था तो ये कितना बच गया बेटा 0.04 तो आ जाएगा 0.04. करो इससे मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 और दो के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0.08 किस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए एक बार इसको प्लस कर दिया हमने एक बार इसको माइनस जिससे कि हमारा ये आंसर आ गया. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3. थर्ड पार्ट में क्या है बेटा 153 होल स्क्वायर माइनस 147 स्क्वायर. तो सेम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार इसको प्लस कर देंगे और एक बार इसको क्या कर देंगे माइनस. तो 153 प्लस 147 और एक बार क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे 153 माइनस में 147 तो इसमें जब प्लस करेंगे तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10 4 और 5 9 और 1 10 और ये 2 2 और 1 3 तो ये ब्रैकेट सोल्व होके आ गई बेटा 300. जब इसमें से माइनस करेंगे 153 में से 147 माइनस करोगे तो 13 में से 7 गए कितने बच जाएंगे 6 ये 0 0 मीन ये कितने आ गए हमारे पास 6 आ गए तो 6 3 जा कितना होगा 18 होगा तो कितना आ जाएगा 1800. क्या आ गया 1800 कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हुए a plus b a minus b के इज इक्वल टू क्या होता है a square minus b square तो a square minus b square को दे रखा था इसको एक बार प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया माइनस जिससे कि हमारा ये क्या आ गया बेटा आंसर आ गया. लेट अस स्टार्ट पार्ट 4. देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है 12.1 होल स्क्वायर माइनस 7.9 स्क्वायर. अब देखो इसका एक इसकी कौन सी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बेटा a प्लस b और दूसरी ब्रैकेट में क्या करते हैं a माइनस b ये लिखते हैं तो एक बार तो इनको प्लस कर लो और एक बार इसको क्या कर दें माइनस 12.1 और माइनस 7.9 प्लस करो 12.1 में हम प्लस कर रहे हैं 7.9 करो प्लस ये 10 और ये 7 टू 9 और 1 10 और ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 ये हो गए बेटा 12.1 में 7.9 ऐड किया तो ये कितना बच गया 20 हो गया इस ब्रैकेट में. इसमें देखो 12.1 में से माइनस करेंगे 7.9
तो 7.9 ये 2 बच गया, ये 11, 11 में से 7 गया, कितना बच गया, 4 बच गया, तो ये आ गया हमारे पास 4.2। करो मल्टीप्लाई, ये 0 और 2, 2 जा 4 और 2 4 जा 8, दो के बाद क्या लगा दें, एक के बाद क्या लगा दें, पॉइंट, तो कंप्लीट एक नंबर आ गया, कितना आ गया 84 हमारा आंसर आ गया इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो इस क्वेश्चन में बेटा ऑलरेडी गिवन थी कि इसमें आइडेंटिटी हमने यूज करनी थी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी थी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजिली सोल्व कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ थैंक्स टू ऑल बेटा।